हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इजीएस्ट वे टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन 2023। अब इजीएस्ट वे का मतलब है स्ट्रगल। आपको फाइट मारनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जे मेहनत करे भूखिया ना मरे, मतलब कि जो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, वो कभी भूखा नहीं सोएगा और कभी भी फेल नहीं होगा। अगर आपने YouTube पर देखा होगा तो YouTube पर हजारों वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं कि आप सब फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, और उसमें वही सब बताया होगा कि आप HTML सीख लो, CSS सीख लो, JavaScript, jQuery एंड कोई भी एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख लो, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, टाइम के साथ सीखना पड़ता है, तरीके से सीखना पड़ता है और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करेंगे एकदम डिटेल में, एकदम बारीक से। तो इस वीडियो पर बने रहे, और अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर जंप करना है तो हमने चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पर इजीली जंप कर सकते हो। अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको सबसे पहले HTTP क्या है, HTTPS क्या है, DOM क्या है, ये सब आपको गूगल पर सर्च करना है। अब इस वर्ड्स को सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गूगल पर सर्च करना है और ये सब चीज़ है क्या, क्या काम करती है, बस वही सब देखना है। आपको नॉलेज होना चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। आपने डेफिनेटली YouTube की साइट तो देखी ही होगी, हॉरिजॉन्टली बहुत सारे थंबनेल्स आते हैं अलग अलग वीडियोस के, और आप अगर पर्टिकुलर थंबनेल पर होवर करोगे तो वो वीडियो ऑटो प्ले होती है। उसके नीचे टाइटल्स होते हैं, उसके ऊपर एकदम ऊपर टॉप पर बेसिक सा नेविगेशन होता है, साइड में साइड बार होता है। तो आखिर ये सब चीज़ है क्या, तो ये सब चीज़ है HTML एंड CSS। अब हम बात करते हैं आपको HTML एंड CSS कैसे सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, डेफिनेटली ये रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है कोड विथ हैरी, जो एक बिगिनियर्स फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं HTML के लिए आपको इसी का एक वीडियो सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से सीखो। मैंने भी पास में इसी के वीडियो से सीखा था HTML एंड CSS, तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, प्लस बिगिनर फ्रेंडली होता है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से HTML एंड CSS सीख सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जल्दी से चेकआउट करो और HTML एंड CSS पर काम करना स्टार्ट करो। अब आपने HTML एंड CSS सीखना स्टार्ट कर दिया तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, मैं एक दिन में सब खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम के साथ सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको HTML एंड CSS आती है, आपका अच्छा कमांड है उस पर, तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स किस तरीके के बनाओगे, तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है जिसमें बेसिक सा नेविगेशन हो, नीचे कुछ आपकी इमेजेस हो, आपकी डिटेल्स आपने ब्रीफ की हुई हो। सिंपल सी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आप अपना रिज्यूम टाइप कुछ डाल सको, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सको। उसके बाद आपको एक और वेबसाइट बनानी है, लेकिन ये क्या होगी, ये क्लोन वेबसाइट होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप YouTube का ही क्लोन बनाओ, उसके HTML और CSS की हेल्प से YouTube जैसा ही दिखने वाले लैंडिंग पेज बनाओ, होम पेज बनाओ। लेकिन उसमें आपको कोई फंक्शनलिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए एंड मेन चीज़ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सारे डिवाइसेस में अच्छे से दिखना चाहिए। HTML सीखने के बाद आपको डेफिनेटली ये मन में विचार आएगा कि अब मैं बहुत सारी वेबसाइट्स बनाऊंगा, HTML CSS से डिज़ाइन करूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। अब HTML एंड CSS के बाद हम आते हैं JavaScript के ऊपर कि आप JavaScript कहाँ से और कैसे सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इजिएस्ट वे बोला है वीडियो में, तो आपको पूरा JavaScript सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक दूंगा, वो आप नोट कर लीजिए, आपको बस वही टॉपिक स्टार्टिंग में सीखने हैं। तो सबसे पहले हो गया एसिंक, कॉल बैक, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, स्कोप क्या है एंड एरो फंक्शन। आपको ये इतनी चीज़ें सीखनी है स्टार्टिंग में, आपका काम चल जाएगा। और आगे का भी डिटेल में जो भी टॉपिक्स आएंगे जावास्क्रिप्ट में, वो टाइम के साथ साथ आपको आ जाएगा। इसके लिए मैं फिर से आपको कोड विथ हैरी का एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, उसमें उसने जावास्क्रिप्ट एकदम स्क्रैच से सिखाया है और उसमें वो नोट्स भी प्रोवाइड करेगा। तो डेफिनेटली आप कोड विथ हैरी का जो प्लेलिस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको चेकआउट कीजिए, वहाँ से सीखना स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट पर बनाएं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक से कैलकुलेटर बनाएं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, करेक्ट वे से होना चाहिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि एक बार आपने ये कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया तो आपको खुद पर प्राउड होगा कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML एंड CSS को भी यूज़ करना है ताकि आप
HTML एंड CSS भूल ना जाओ। अब दूसरा प्रोजेक्ट है एक कॉन्टेक्ट फॉर्म विथ वैलिडेशन। आपको अपना लॉजिक लगाकर वैलिडेशन के साथ एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है, क्योंकि आप जब तक जॉब करोगे IT फील्ड में, ये वैलिडेशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको वैलिडेशन यूज करना है। आप उसके लिए आप किसी भी तरीके का लॉजिक लगाओ, वो आपको देखना है कि आपको लॉजिक कैसे लगाने हैं। वैलिडेशन एकदम अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। तीसरा प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, जिसमें आप अपने टास्क को ऐड कर सकते हो, कंप्लीट होने के बाद आप उसको चेकआउट कर सको, और बाय चांस बाय मिस्टेक कोई टास्क ऐड हो गया उसको आप डिलीट कर सको। इससे क्या होगा कि इससे आपका क्रॉड ऑपरेशंस का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट HTML CSS आपने सीख लिया, उसके बाद आती है आपको किसी एक लाइब्रेरी या किसी एक फ्रेमवर्क के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आंख बंद करके React JS सीखना स्टार्ट कर दो। अब मैं यहाँ पर React आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी कंपनी React JS को यूज करती है, उनके पास React डेवलपर्स अवेलेबल है, उसकी वजह से आपको जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका मार्केट बड़ा है। अब आपको React JS सीखना कहाँ से, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा React की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट, React JS की वेबसाइट से जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ से थोड़ा नॉलेज गेन करना है। उसके बाद आपको जंप करना है कोड विथ हैरी के इस React के प्लेलिस्ट पर और सीखना स्टार्ट करना है। अब हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो आपको प्रोजेक्ट कौन से बनाने हैं, तो ऑलरेडी ये जो प्लेलिस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है कोड विथ हैरी का, उसमें उसने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। लेकिन आपको एडवांस प्रोजेक्ट कोई बनाना है तो उसमें भी आप कोई क्लोन बना सकते हो, जैसे कि यूट्यूब का क्लोन हो गया, स्पॉटिफाई का क्लोन हो गया। React JS का यूज़ करके आप एक एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाओ जो इस तरीके का क्लोन वेबसाइट हो, और उसके बाद ये सब चीज़ आप अपनी वेबसाइट जो सबसे पहले बनाई थी उसको आप पोर्टफोलियो की तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो एम्प्लॉयर को, और वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ये सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो। बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई अच्छे रिसोर्सेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर देना, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको भी ये रिसोर्सेज मिले। सारी प्लेलिस्ट सारे वीडियो के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।